रिजल्ट बिगड़ने पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं ने ज्ञापन में मांग की है कि उनके रिजल्ट की दोबारा से जांच की जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये छात्र छात्राएं पेंच वैली स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हैं। छात्र छात्राओं ने NSUI के बैनर तले राजशाह यूनिवर्सिटी जबलपुर के खिलाफ तहसीलदार प्रांगण में प्रदर्शन किया। छात्र पंकज महोदय ने कहा कि पहले ही हम इस विषय में ज्ञापन सौंप चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तहसीलदार ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही महाविद्यालय के प्राचार्य को बोलकर रिजल्ट की दोबारा जांच करवाई जाएगी और यदि हमारा रिजल्ट नहीं सुधारा तो हम आंदोलन करेंगे। आज सभी छात्र छात्राएं और NUCI के लोग आज अनशन में बैठे थे, जिससे मैडम ने आके आश्वासन दी हमें, SDA मैडम ने आके आश्वासन दी हमें कि प्रिंसिपल से बात करके और यूनिवर्सिटी में बात करके कि आप एक लिस्ट तैयार करके हमको दे दो। ये मोदय यार यूनिवर्सिटी द्वारा कार्रवाई नहीं होती और रिजल्ट सुधार नहीं होता है इसके बाद तो NUCI और छात्र छात्रा उग्र आंदोलन करेगी, जिसके समाप्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। NSUI टीम लेकर आए हैं और क्या बोलते हैं, हमारे रिजल्ट के कारण हम लोग आए हैं और हमारा रिजल्ट बिगड़ा है तो हम लोग को सुधार लिए हमको CC के नंबर भी कम दिए गए हैं, इसके कारण हम आवाज़ उठाएंगे और क्या बोलते हैं ज्ञापन दिया गया है, हमने एक बार और ज्ञापन दे चुके हैं और अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है तो शासन प्रशासन की ही जवाबदारी होगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।